पिछे अद्धा या एक घंटा काफी स्नो पैंदी रही, हुण अगे आया इधर वैदर साफ है एकदम, बादल बहुत बने हुए हैं। ये तां अगे जाके पता चलेगा, शायद अगे वापस मिले स्नो, ना ही मिले तो चंगी गल है। कल दी ड्राइव करके फिर मैं कोलोराडो पहुंच जाऊंगा, तो उतों फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, उत्थे वैदर गर्म ही रहता, फिर अगे टैक्सस उत्थे भी गर्म ही मिलेगा। अज दे कल दी ड्राइव ही है बस, जिदे सानू वैदर गंदा मिल सकता है। तो अगे हिल स्टार्ट हो गई आ, तो 48 माइल रह गया खाली, जिथे मैं राती रुकना जाके। इत्थे एक समझ नहीं आती वैदर की, थोड़ी देर पहले पूरी फॉग पई हुई सी, हुण इत्थे मौसम ठीक हो गया, कदे बारिश आ जांदी आ, कदे स्नो पैना स्टार्ट हो जांदी आ। अमेरिका ते कैनेडा वैदर का कोई समझ नहीं आता। आ मैं हजे उही हिल ते आ जिथों स्टार्ट होया सी, उत्थे वैदर एकदम वधिया सी, बट जी मैं हिल दी दूसरी साइड आया तो इत्थे एकदम स्नो पैना स्टार्ट हो गई, बहुत ही फॉग पई हुई आ। 35 माइल रह गया हूँ, अप्रोक्स में 12 या 13 माइल ही आया। निकल गया सा उतों, राती पंप ते रुकिया सा फ्लाइंग जी दे, ते जांदे जांदे हुण सानूं एक मिली है टनल, छोटी जी होनी आई थिंक, बाकी अंदर जाके पता चलेगा। अलग छोटी आ कि वड्डी आ, हाँ छोटी जी आ। एंटर हो गया सी टनल दे अंदर, इत्थे आके GPS बंद हो गया, मेरी बुक है जिहड़ी ELD उहदे ते दोनों रेड लाइट हो गई। जी मैं बाहर होवांगा फिर देखो ग्रीन हो जाएंगियां, उहदे पर ग्रीन हो गई है। ये हाईवे I-80 ते जा रहे सां, ते अगे रोड क्लोज है, पता नहीं हुण क्यों क्लोज है, सारी गड्डियां इत्थों मुड़ के जा रही हैं। एक पिछू ही रास्ता हुण उधरों जाके देखते हैं, ओवला खुला है वह भी बंद है। आई थिंक अगे कोई स्ट्रॉम वगैरह आया होगा या कोई एक्सीडेंट हो करके हाईवे बंद किया हो। इन्होंने ट्रेन वाला पुठी ट्रेन चला रहे अज, ये मैं निकल गया सी सवेरे, राती लाउंज ते रुके होया सी, सवेरे दा व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, ते हुणे आ ट्रेन जा रही सी, मैं कहा चलो इहदी वीडियो बना लैंदे आ। रेस लगी है साडी ट्रेन दे नाल, पिछे करदे नहीं और 5 मिंट अज, ये साडी जिहड़ी ट्रेन दे नाल रेस लगी सी, ये असीं करदे नहीं और 1-2 मिंट च पिछे। 2 इंजन इहदे बैक ते लगे हुए सन, ते 2 ही इहदे फ्रंट ते लगे हुए, काफ़ी लंबी ट्रेन सी और ये बस असी ट्रेन नू कर दिता पिछे, ये रेस असी जीत गए हाँ। देखो ये असी करती ट्रेन पिछे 135 की स्पीड दे, 65 माइल पर आवर। मैं रुकिया सा रेस्ट एरिए दे कुछ खाने के लिए, तो ट्रेन सानू वापस पास कर गई है, कोई नहीं इतू कुछ खा पी के निकलेंगे तो फिर इनू वापस पीछे कर देंगे। मैं पहुंच गया सा अपनी डिलीवरी लोकेशन पे, उतू ऐसे कोई 20 मिनट की ड्राइव तो लफ्जा पंप, इतने आया इतने सारी पार्किंग फुलन, तो हमने 9 पार्किंग सी, इतने ही ट्रक लगा दता है, एक के भी लगे हुआ, एक वो भी लगे हुआ, मेरे तो अगे भी एक लगे हुआ सी पर वो चल गया। आ बंदा जा रहा अपने ट्रक, देखते हैं अगर ये लैके निकले ट्रक तो फिर मैं अपना ट्रक उत्थे ही बैक करके लगा देंगा। इवें आ गया सा सवेरे सवेरे डिलीवरी लोकेशन पर, आ ट्रक लगे हुए अगे अनलोड हो रहा, मैं अपना ट्रक इतने लगाया गेट की एंट्री तो, टार्प वगैरह खोलती है सैट करके पिछे रख दिती है, स्ट्रैप्स वगैरह भी करती सारिया, तो हूँ जी ही निकलेगा तो अपना ट्रक लगा के इतने अनलोड करवाना। लगाता अपना ट्रक इस साइड, वो आया बंदा दूसरी साइड गया, वो थलू दिख रही फॉगलिफ्ट,
ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਸੇਮ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਇੱਥੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਰੁਕਿਆ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਚ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ।